फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर इस टाइप के खून के थक्के आपको भी अपने पीरियड में नज़र आते हैं तो ये चीज़ आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है, आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी ये हम वीडियो में आगे जानेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन अगर आप जल्द से जल्द माँ बनना चाहती है, प्रेगनेंट होना चाहती है, तो ये जो ब्लड के जो क्लॉट्स हैं ये पीरियड में अगर आते हैं तो ये काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है आपके लिए। आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको हो सके। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, वीडियो से रिलेटेड सवाल जवाब करना चाहते हैं, यहाँ पर जाइए, मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ये मेरा इंस्टा आईडी है। वीडियो से रिलेटेड जो भी सवाल आपके दिल में है, आपकी समस्या है, यहाँ पर पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कंसीव करना चाहती हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रही हैं। काफ़ी सारी दिक्कत का सामना आता है, काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। तो आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अगर इस टाइप के क्लॉट्स आपको अपने पीरियड के दौरान, पीरियड का जो टाइम है उस दौरान नज़र आते हैं, तो ये चीज़ आपकी प्रेगनेंसी पर कैसे प्रभाव डालती है, समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते रहते हैं और हमारी प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी हमारी कंसीव भी हो जाती है, यानी कि 10 से 15 दिन जिसमें हमें पता भी नहीं चलता कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। ठीक है, 10 से 15 दिन हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, लेकिन जब तक हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उस दौरान हमारे पीरियड आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार हमारा पीरियड मिस हुआ होगा, 8 से 10 दिन ऊपर चढ़ गया और हमारा पीरियड आ गया, तो हम ध्यान नहीं देते। लेकिन हो सकता है कि वो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी हो, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हों और आपको पता भी ना हो, और आप जब पीरियड आ जाए तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये पीरियड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 8-10 दिन पीरियड लेट होके आ गया। यहाँ पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं कि हाँ 8-10 दिन हो गया होगा और हमारा पीरियड आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये 8-10 दिन का जो गैप आपके बीच में था, हो सकता है इस दौरान आप प्रेग्नेंट हो और उसके कारण आपने ना टेस्ट किया, आपका जब पीरियड आ गया तो आपको नॉर्मल पीरियड आ रहा है, पीरियड में इस तरह के आपको क्लॉट्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आप दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करने की जब ट्राई करेंगे तो आपको वहाँ पर कंसीव में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? देखिए, सबसे पहला तो ये कि जो आपका 8-10 दिन चढ़ के पीरियड आया था उस दौरान आप प्रेग्नेंट थे, ठीक है, लेकिन आपने टेस्ट नहीं किया, आपका पीरियड क्योंकि आ चुका था। तो जब 8-10 दिन की जो आपकी प्रेगनेंसी थी, अब पीरियड के थ्रू थोड़ा बहुत ब्लड तो बाहर आ गया, लेकिन कुछ टुकड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारी गर्भाशय में, हमारी यूट्रस में वो बचे रह जाते हैं, और वो फिर बाद में जाकर जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं और हम कंसीव भी हो जाते हैं, तो फिर बार बार हमारा मिसकैरेज होने लगता है। वो इसी कारण होता है कि पहले से जो कण मौजूद है, जो इन्फेक्शन अंदर, गंदगी मौजूद है, वो आपकी जो आप प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हो, वो प्रेगनेंसी आपको कंसीव नहीं करने दे रहा है। बार बार आपको पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं, खून के थक्के आते हैं, तो ये इसी चीज़ का कारण है कि आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल डॉक्टर से जल्द मिलना चाहिए कि ऐसे क्लॉट्स आपको क्यों आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके मिसकैरेज, अर्ली मिसकैरेज के चांसेस हो। अर्ली मिसकैरेज का मतलब है 10 से 15 दिन के अंदर आपका मिसकैरेज हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि ये हमारी प्रेगनेंसी थी, कि हमारे पीरियड मिस हो गए थे, है ना। तो यहाँ पर इस कारण से अगर आपको पीरियड के थक्के खून में देखने को मिलते हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उसका ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि आप अर्ली प्रेग्नेंट थे और आपका मिसकैरेज भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला। इसकी वजह से आपके इन्फेक्शन यूट्रस में, आपके गर्भाशय में इन्फेक्शन टुकड़े बचे हुए हैं जो आपको दोबारा कंसीव नहीं करने दे रहे हैं, आपको दोबारा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप उसके चक्कर में, क्योंकि गर्भाशय में ऑलरेडी इन्फेक्शन है। तो जब भी आप कंसीव करने की कोशिश करेंगे, बार बार इन्फेक्शन होगा और बार बार आपको मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो खून के थक्के आते हैं, आप इनका इलाज करिए, आप अपने डॉक्टर से पूछिए, आप डॉक्टर को चेक करवाइए, आपका अल्ट्रासाउंड होगा कि ऐसा क्यों आ रहा है, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ पता लग जाता है। अगर आपके यूट्रस में अर्ली मिसकैरेज भी अगर आपका हुआ है, तो वहाँ पर वो आपको अच्छे से बता देते हैं, अल्ट्रासाउंड में आपको सब कुछ शो करवा देते हैं कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है और उसका कुछ कण और कुछ चीज़ें अंदर बच चुकी है, जिसके कारण आपका बार बार प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है या बार बार मिसकैरेज हो रहा है। तो वो आपको सलाह देंगे कि आगे क्या करना है, आपको मेडिसिन देंगे या फिर और भी प्रक्रिया जो वो करते हैं, डीएनसी करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, वो सारी चीज़ें वो करते हैं डॉक्टर। तो आप उनको ज़रूर जल्द से जल्द दिखाइए अगर आप जल्द से जल्द प्रेगनेंट होना चाहती हैं तो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और यही बड़ी मिस्टेक बन जाती है बाद में जाकर, इतनी छोटी सी चीज़, अरे यार ब्लड क्लॉट ही तो है, खून के थक्के तो हैं, तो सबको आते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और उस दौरान आपको ये ऐसे थक्के आते हैं, तो
ये काफ़ी बड़ी सोचने वाली बात है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलिए ताकि वो आपको सोल्यूशन बता सके कि आगे आपको क्या करना है और फिर आप आराम से प्रेगनेंसी कंसीव करिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।